14 से लेकर 24 तक के 10 साल जो अन्याय का जो काल है, इसमें युवाओं से उनका रोजगार छीना जा रहा है, मजदूरों से उनको रोजगार छीना जा रहा है। 14 तक हमारी जो सरकार रही है उसमें आर्थिक मामलों में यह था कि सभी वर्ग के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे, पर इनकम कैपिटल जो हमारा होता है पर पर्सन का वो बढ़ रहा था, इस सरकार में वो कम होते जा रहा है। युवा इंजीनियरिंग करके आज पकौड़े तलने के लिए मजबूर है, करोड़ों रुपए कर्ज लेकर पढ़ाई किए हैं, लेकिन आज उनको रोजगार नहीं मिलने की वजह से कई युवा तो आत्महत्या कर रहे हैं, तो कई युवा मजदूरी तक करने के लिए मजबूर हो गए हैं। 2014 के बाद जब ये सरकार आई है तो हर साल 4 करोड़ बेरोजगार हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। अगर मोदी जी आप 2 करोड़ युवाओं को जब रोजगार आप दिए हो प्रति वर्ष, तो ये 4 करोड़ युवा बेरोजगार हुए क्यों? 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में। आज किसानों को अपने ही फसल का मूल्य के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आज किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए अगर अपना फसल पैदा करने के लिए खर्च हो रहा है, तो उसी 50,000 रुपया तक को वसूलने के लिए किसानों को बाजार ढूंढना पड़ा है। बाजार नहीं मिलने से किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। एमएसपी के बारे में देखें तो किसानों की हालत तरबतर हो रही है। मोदी की जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी और बड़े लोगों को फायदा पहुंचा रही है। सरकारी संस्थाएं उनको निजीकरण किया जा रहा है, उनको जो प्राइवेट है उनके हाथों में दिया जा रहा है, प्लस मोडानी देश को पूरे मोदी अडानी मोडानी ही चला रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, एलपीजी की दाम में बढ़ोतरी हो रही है। जब कांग्रेस की सरकार आज से 10 साल पहले थी तो हमें वो सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था, लेकिन आज वही सिलेंडर हम 1,000 रुपए 1,200 रुपए में खरीद रहे हैं। मेरे हिसाब से 10 साल जो अन्याय का काल है उसने इस 10 साल में गरीब मजदूर मीडियम क्लास सबको बर्बाद करके रख दिया है, उनके जीवन को नष्ट कर दिया है। राहुल गांधी जी भारत में पद यात्रा करके न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं के हक की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता तो ये हुआ युवाओं के खिलाफ अन्याय। के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे दबाव हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे नेता हैं राहुल गांधी, वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल जी की जो न्याय यात्रा है उससे ही न्याय आ सकता है इस देश में, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस देश को न्याय में लाने का।